तो गाइस बेसिकली जो सबसे पहले हम लोग इस मीटिंग में आए हुए, मीटिंग में इसलिए आए हुए कि हम लोग किस तरीके से अपने कैरियर को स्ट्रक्चर्स के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर्स में अपने कैरियर को, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफाइल्स, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इसमें कैरियर बना लेता है लॉन्ग टर्म में, उसके पास अर्निंग की कमी नहीं रहती है, तो ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है। बट जो भी अच्छी चीज होती है उसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उसी तरीके की प्रोफाइल है, इसमें आप फ्यूचर में अपनी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, आप एक कंपनी स्टेब्लिश कर सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, आप कहीं पर अच्छी जॉब कर सकते हैं, आप यूएस में हैं, आप कनाडा में हैं, आप सऊदी में हैं, दुबई में, हर जगह पर अगर स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से सीखा हुआ है, ये क्या है, एक स्किल है ना गाइस, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक स्किल्स है, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अभी मैं वैसे आपको बताता हूँ कौन कौन हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग जो ये पूरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, इसको एक घंटे में नहीं पढ़ सकते, एक दिन में नहीं पढ़ सकते, एक महीने में भी नहीं पढ़ सकते। तो वी आर गोइंग टू स्पेंड कंप्लीटली 4 मंथ्स, कितना, 4 मंथ हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मोर इनटू पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि देखो स्टैटको सीखना बड़ा आसान है, ईटीएफ सीखना भी बहुत आसान है। यदि आपके कंप्लीट करंट सिलेबस में एसएपी 2000 ऐड कर दिया, वो भी सीखना बहुत आसान है। बट इसको अप्लाई करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए, जो डायनेमिक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, जो स्टैटिक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, जो विंड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, जो आईएस कोड का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो कंप्लीट 4 महीने की ट्रेनिंग होती है गाइस, इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, जिसमें बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड से, और ऑटो कैड के बाद हम लोग सीखते हैं स्टैट प्रो, फिर ई टेप्स, आरसीडीसी, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, रेबिट आर्किटेक्चर, रेबिट स्ट्रक्चर। अभी करेंट सिलेबस में, अभी कोई प्लीज माइक मत ऑफ करना, 10 मिनट मुझे दे दो, इसके बाद आप ही लोग का है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस हम लोग सीखते हैं, इसके अंदर अभी नया ऐड कर दिया हमने एसएपी 2000। यहां तक की कंप्लीट जर्नी को हम लोग करेंगे। इस जर्नी से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हर हफ्ते हम लोग मॉक इंटरव्यू करते हैं, इस पूरी प्रिपरेशन में। मॉक इंटरव्यू के बाद हम लोग इसमें 15 से 20 दिन पर टेस्ट लेते रहते हैं बीच बीच में, जिसमें कैट टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट है, अलग अलग प्रकार के टेस्ट जो कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली क्या चाहिए कंपनी को, उस चीज को फोकस करते हुए ये 4 महीने की ट्रेनिंग होती है। आप अगर 80% से ज्यादा हमारे साथ अटेंडेंस आप मेंटेन कर लें, ठीक है, 100 कर लें तो बहुत अच्छा है, 80% से ज्यादा कर लें, तो ये फिक्स मानिए कि आप जहां पर भी जाएंगे, स्ट्रक्चर के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसी में से होगा, उसके बाहर से नहीं होगा। हाँ, ये पहले क्लियर कर दूं, स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल मेहनत करने वाले लोग हैं तो स्ट्रक्चर में कैरियर नहीं बन सकता, ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है 5 घंटे तो उठना ही नहीं है, जिसमें से 1.5 घंटे लाइव रही है हमारे साथ, 1.5 घंटे रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आपको मैं देता हूँ कंटेंट, और उसके बाद 2 घंटे या फिर कम से कम 1.5 घंटे, नहीं तो 1 घंटे तो मिनिमम आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आपने 4 से 5 घंटे डेली डेडिकेट कर दिया, तो समझिए कि आप परफेक्ट स्ट्रक्चर 3 से 3.5 महीने में बन जाते हैं, बट हाँ पूरी तरीके से करने में आप 4 महीना कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक फन का गेम है। फन का गेम कैसे है, मतलब इसमें ना वही कैरियर अच्छा बना सकते हैं जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है। इसमें कोई अगर शो ऑफ के लिए आए कि मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एसएफडीबी एमडी भी पढ़नी पड़ती है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी पढ़ना पड़ता है, इसके अंदर आपको विंड एनालिसिस भी पढ़ना पड़ता है, सेस्मिक के सारे जोन, सेस्मिक को मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉफ्टवेयर पे कैसे करेंगे, शियर वॉल के बारे में पढ़ना पड़ता है, रिटेनिंग वॉल, ग्रिड बीम, फ्लैट स्लैब, उसके बाद फुटिंग, फुटिंग में मैट फुटिंग, पाइल फुटिंग, राफ्ट फुटिंग, मतलब हर तरह के फुटिंग्स, मैट कहाँ यूज करेंगे, मैट और राफ्ट दो बार बोल दिया सॉरी, तो मैट कहाँ पर यूज करेंगे, पाइल कहाँ यूज करेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग कहाँ, आइसोलेटेड के भी जो तीनों पार्ट है, जैसे स्टेप फुटिंग कहाँ करेंगे, स्लो फुटिंग कहाँ करेंगे, पैट फुटिंग कहाँ करेंगे, इनका बृहद रूप से आपके पास अध्ययन होना चाहिए एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। इसके बाद सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस में कौन कौन से चेक करते हैं स्ट्रक्चर में, जैसे कि पी डेल्टा इफेक्ट चेक करते हैं, पुश ओवर एनालिसिस करते हैं, टाइम स्टे एनालिसिस करते हैं, टाइम स्टे एनालिसिस का डाटा कहाँ से आता है, कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग सेफ ही होगा, कैसे हम लोग सॉइल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। कुल मिला के इस 4 महीने में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक सफल स्ट्रक्चर इंजीनियर, मतलब एक जो स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंदर क्वालिटी होती है वो आपके अंदर डाल दिया जाए। बेशक उसके बाद आप कंपनी में जाएंगे और परफेक्शन आएगा, नो डाउट, बट हाँ
आपको इतना काबिल बना दिया जाएगा कि आप किसी को भी प्रोजेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, रिज्यूम बनाया जाएगा, कवर लेटर बनाया जाएगा, जिससे कि सामने वाले को भरोसा हो जाए कि हाँ यार इसको हायर करने में लॉस नहीं है। ठीक है, 5 दिन अपने अपने क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या करता है, उनके यहाँ आप जाएंगे तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जैसे मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, वो अपने हिसाब से। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो कैरियर होता है गाइस, वो एक डॉक्टर की तरह होता है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे कि एक कॉलम है, एक कॉलम को मुझे पता है कि G+1 का स्ट्रक्चर है, जिसके लिए 9x9 इंच का कॉलम दे देना सफिशियंट है, ये मुझे लगता है। और यहीं पर एक स्टूडेंट है, मान लीजिए सलमान है यहाँ पर, तो सलमान है और सलमान ने दे दिया 9x12 इंच। अब आप क्या कहोगे कि सलमान गलत है या फिर मैं गलत हूँ? नहीं, ठीक है। जैसे कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और उस डॉक्टर ने मुझे मेरा शरीर देख के, मेरा एज देख के, उसने बोला कि ये 500 mg की दवाई खा सकते हैं फीवर के लिए। ठीक है, उन्होंने 500 mg की एक दवाई दे दी, मान लो नीमोस्लाइड। ठीक है, और एक और डॉक्टर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, 500 की जरूरत नहीं है, 300 mg की ये वाली दवाई इनके लिए सफिशियंट है। अब क्या तुम 500 वाले को गलत बोलोगे या फिर 300 वालों को गलत बोलोगे? नहीं, दोनों ही अपने जगह सही है। तो जैसे स्ट्रक्चर डॉक्टर के लिए फिक्स नहीं है कि कितने एमजी की दवाई दे देगा। हाँ ये जरूर है कि अगर डॉक्टर नाइंसाफी कर रहा है, मुझे 1000 mg या फिर जो भैंस और गाय को खिलाने वाली दवाई है 2000 mg, 2500 mg की, उनकी गाँव की जो दवाई होती है 3000 mg की होती है, अगर वो दे दिया तो समझदारी नहीं है। जैसे कि अगर 9x52 का 50 का कॉलम दे रहे हैं कोई, तो अब बोलोगे कैसी बात करो, कोई सेंस ही नहीं है इस चीज का। तो मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर और डॉक्टर्स के जो रिपोर्ट्स होते हैं थोड़े थोड़े वैरी करते हैं, इसलिए कहीं पर भी जाएंगे वो आपको 5-10 दिन अपने हिसाब से बताएंगे। बट बेसिक कोर जो होता है, जो उन्होंने MBBS में पढ़ा है, MS में पढ़ा है, जैसे आप पढ़ोगे, वो बेसिक कोर हर जगह पे आपको सिमिलर मिलेगा। ठीक है, ये रहा मेरा 10 मिनट, मुझे पता है कि आप लोग को जल्दी होगा अपने प्रश्न पूछने का, तो आप लोग हैंड रेज करके एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए आराम से। ठीक है, फिर उसके बाद जो समय बचेगा फिर हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुभम से स्टार्ट करते हैं, शुभम सबसे पहले हैंड रेस कीजिए, बाकी लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं बेशक। हाँ जी शुभम बोलिए। शुभम आपने हैंड रेस किया हुआ है, यू वांट टू आस्क समथिंग? चलिए मैं भी, इनको शायद आवाज न जा रही हो, अभी का तब तक क्वेश्चन ले लेते हैं। यस अभी, हाँ हेलो शुभम बोलो, बोलो शुभम आवाज आ रही है। सर, अभी ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के इसमें कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे हमको? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें प्रथम हम लोग ऑटोकैड से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक ऑटोकैड से। अब तुम बोलोगे सर मुझे ऑटोकैड आता है, बट जो ऑटोकैड मुझे सिखाना हो तुम्हें नहीं आता। तुमने जो सीखा होगा लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल सीखा होगा, बट हमारा ऑटोकैड थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो ऑटोकैड, ऑटोकैड के बाद स्टैट प्रो, स्टैट प्रो के बाद आपका RCDC, फिर ई टेप्स, फिर सेफ, फिर SAP 2000, फिर मैनुअल एंड एक्सेल, फिर रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट स्टीमेशन, ये पूरा सॉफ्टवेयर का स्टेप है। इसमें टेकला का कोई, ये टेकला नहीं सिखाया जाएगा नहीं, क्या? टेकला जो है वो 3D डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, 3D अच्छा, डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, जो कि बीम के अंडर हेड आता है। ठीक है, तो जो बीम की इंटर्नशिप होती है उसमें टेकला सिखाया जाता है। आपको सीखना होगा तो हमारे पास वीडियो कोर्स है उसका, पढ़ सकते हो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। ओके अभी कुछ पूछना चाह रहे हैं? और भी कोई क्वेश्चन पूछना है? हैंड रेज करके रखो फटाफट, ऐसे हैंड रेज ऑप्शन है, आप पूछिए अपना, अगर प्रोफेसर मैनेजर को हाँ बोलिए। सर, बोलो अमित, बोलो अमित, बोलो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ सर, हेलो बोलो बोलो बोलो। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा सिविल में साइट इंजीनियर में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट मैं चाहता हूँ कि फील्ड चेंज करूँ, कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं वो बीम के लिए मैं सोच रहा था, तो क्या है सर इसका? बीम एक अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। बीम एक अच्छा ऑप्शन क्यों है ब्रदर? क्योंकि बीम में कैरियर स्विच करना बड़ा आसान है। जैसे कि स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म में तो स्ट्रक्चर से अच्छा कोई कैरियर नहीं है, नो डाउट, बट बीम के अंदर जो होता है ना, थोड़ा कम हार्ड वर्क में जॉब स्विफ्ट हो जाती है। रीजन ये है कि बीम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा योगदान साइट का भी हो जाता है लॉन्ग टर्म में, तो जो तुम्हारा साइट का एक्सपीरियंस है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है और बहुत आराम से तुम्हारा कैरियर बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो आप बिल्कुल बीम के अंदर करियर बना सकते हैं और उसमें स्ट्रक्चर से कम मेहनत करना पड़ेगा, ये भी फैक्ट है। ठीक है, तो आप अगर स्ट्रक्चर बीम के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेशक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
चलिए, और किसी कोई क्वेश्चन है? ओके सर, और बोलो और भाई, मेरे और पूछो। सर इसका और फीचर्स, इसका फीचर्स क्या है सर स्ट्रक्चर इंजीनियर का? स्ट्रक्चर इंजीनियर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। रीजन क्या है कि लैंड डे बाय डे कम पड़ रहा है, जिस तरीके से हम लोग लगे हुए जनसंख्या बढ़ाने में, उस हिसाब से लैंड डे बाय डे कम होता चला जा रहा है। और जब लैंड कम होगा तो अभी तक क्या होता था पता है, जब हम लोग बचपन होते थे हम लोग के घरों में देखते होंगे हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता था। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट मतलब किसी के घर एक फ्लोर का है, बहुत है तो दो फ्लोर का है, अगर याद हो आपको अपने गाँव का घर तो। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हम लोग जनसंख्या में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं, चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, अब हम लोग वर्टिकल डेवलपमेंट में आ गए हैं। दिल्ली के अंदर आपको लैंड नहीं मिलेगा, मुंबई के अंदर जगह नहीं मिलेगा, पुणे सिटी के अंदर जगह नहीं मिलेगा, बैंगलोर में जगह नहीं मिलेगा, क्यों है ही नहीं जगह। अब क्या हो गया, सब अपार्टमेंट में आ गए, पिंजड़े में आ गए सब लोग। और ये डे बाय डे अभी हम लोग G+20 G+30 बना रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग G+100 बनाएंगे, और उसमें बिना स्ट्रक्चर इंजीनियर का कुछ हो नहीं सकता। समझ गए? अभी आंसर मिल गया? सर एक और क्वेश्चन था, आपका जी जो क्लास रहेगा लाइव क्लास है या रिकॉर्ड, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है, जिसमें डेढ़ रिकॉर्डेड घंटे वीडियो रहेगा सर? डेढ़ घंटे मैं हाँ लाइव रहूंगा आपके साथ। 1.5 घंटे से बहुत हार्ड वर्क होता है, ऐसे सिर्फ सुनने में आसान लगता है मेरी ट्रेनिंग, बट क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट, उनको पता है एवरी डे आपको प्रोजेक्ट करना यस पड़ेगा, एवरी डे सबमिट करना पड़ेगा, और एवरी डे चेक होगा। तो 1.5 घंटे में लाइव रहता हूँ, 1.5 घंटे रिकॉर्डेड रहता है, 2 घंटे प्रैक्टिस सेशन रहता है। समझ गए? हेलो, ओके सर। हाँ ओके जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं श्रीनिवास का। और भी कोई क्वेश्चन? सर ओके ओके जी, श्रीनिवास जी का हेलो क्वेश्चन ले लेते हैं। यस श्रीनिवास बोलिए। सर, मेरा ये पूछना था, मैंने आपको कॉल भी किया था, स्टील स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इसमें अरे कितना बहुत रहेगा? बढ़िया, मैं ये आपने मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ। और दूसरी चीज, डेली कितना घंटा क्लास रहेगा? मतलब मेरा अभी ऑफिस टाइमिंग सुबह 9 से रात को 9 बजे तक चलता है, तो डेली कितना घंटा देना पड़ेगा? और मैकेनिकल से हूँ तो स्टील का कितना मिलेगा मेरे को? ऐसे मेरा टेक्लॉर कैड से बीम डिटेलिंग मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर सजेस्ट डिटेलिंग का करूंगा कि एक्सपीरियंस है। आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बैच में मत आइए। ठीक है सर, चलेगा। मैं कैसे और मजाक स्टील कर की रहा हूँ, कब, मतलब वो बता आपको सकते पता क्या है, आप? आपने मुझे कॉल भी किया था, अगर हाँ क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला था कि मार्च इंटिंग या फिर अप्रैल में मैं प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। और प्लान ओके एक्चुअली रेडी हो चुका है, बस दिक्कत क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम स्लॉट है 7 बजे से लेके 12 बजे तक का पैक हो गया है, और सुबह 9 बजे तक का ओके पैक हो गया है। अब इसके बाद अगर रख दूँ तो समझ सकते हैं ना, कोई आ नहीं पाएगा ना, सब ऑफिस वाले हाँ लोग होते हैं 9 बजे के बाद। और इवनिंग में जैसे ही कोई बैच फ्री होती है, हमारा यही टारगेट है कि पीईबी का और प्लस स्टील का मिक्स कोर्स मैंने आपसे बताया भी था उसके रिगार्डिंग, हाँ ठीक है, तो उसको हम लोग लाने वाले हैं बहुत जल्दी, बस थोड़ा समय और दीजिए, आपने काफी इंतजार किया है। और बीच में ये मैंने सर, प्लान उसका किया था कि रिकॉर्डिंग वो क्लास वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है क्या रिकॉर्डेड सर? मैंने प्लान किया, बट ना हमारी वो पता नहीं कैसे आदत ही नहीं है, मैं एक दो बार बैठा भी, जैसे कि मैं आधे घंटे के लिए बैठा कि चलो आज रिकॉर्ड करके, आपने बोला था ना रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो हाँ मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे वो मजा नहीं आता है, जब तक सामने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, एक वो फील नहीं आता है, ऐसा लगता है कि यार मैं तो अपने इंटरेस्ट में समझा रहा हूँ जो मुझे पता है कि हाँ ये टफ है, बट हो सकता है कई चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हो तब, हाँ ठीक है। तो मेरे जितने भी, ओके अगर जो आप देखेंगे रिकॉर्डिंग जितने भी ऐप में होंगे, सब लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, सब ठीक है। चलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा टफ भी होता है, रीजन क्या है, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग करना मतलब आपको अपने कंटेंट पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। हाँ लेकिन सर, अकेले दीवार के सामने बैठ के 1 घंटा जाना, मुझे लगता है इससे अच्छा बच्चों के बीच में रहूंगा तो कुछ नया होगा, तो इसलिए मेरा हाँ प्रयास सर, रहता है कि लाइव को रिकॉर्ड करूँ, वो चलेगा, बट अकेले नहीं होता मेरे से। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं अकेले बैठूं तो मुझे अजीब लगता है, क्या ही बोलूं कैमरे के सामने, वो मजा नहीं आता, फील, ठीक। और टीचिंग इज ऑल अबाउट फील, ओके ठीक है। सर, चलेगा। ओके जी, मैं आपको बता दूंगा श्रीमान, जो आपके लिए थैंक बेहतर होगा बता दूंगा, और जिसके लिए भी जो बेहतर रहेगा गाइस, हम आपको वही सजेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये कई लोग जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जो बेहतर नहीं होगा मैं क्लियर मेंशन कर दूंगा कि मत करो। आज मेरे पास एक बच्चा मेरे से बोलता है कि सर वो MEP आपसे सीखना, मैंने कहा मत सीखो मेरे से, क्यों? क्योंकि मैं सिविल बैकग्राउंड का इंसान हूँ, मैं HVAC को इतना डेप्थ में नहीं जानता, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं की है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं की है, तो आप मेरे पास आओगे तो हो सकता है आपका लॉस हो, तो मैंने उसको क्लियर मेंशन किया, और आई थिंक इसीलिए और काफी जन अच्छी से बात है ये चीज कि हमें कर ऐसे ही ईमानदार रहना पड़ेगा। हाँ जी, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं?
चलो भरत कुमार शर्माओ मत, देखो कैसे ना कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यार पूछूं क्या होगा, नहीं पूछना है यार, आए ना हमारा 1 घंटा जा रहा है ना, तो स्पेंड योर टाइम ठीक है, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को पूछो। चलो भरत कुमार साहू जी हैं, हेलो, इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भरत बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे पीवी की फील्ड में अपना करियर बनाना था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा अपना आप रोड मैप थोड़ा बता सकते हैं। यस, पीवी के लिए मतलब अगर आसान भाषा में कहो तो क्या बोलते हैं, हमने एक पूरा रिकॉर्डिंग सेक्शन ला दिया है यूनिक सिविल ऐप पर, बट अगर मान लो कि तुम्हारे पास फंड का कोई इशू है तो तुमको मैं पाथ बता देता हूँ। इधर पाथ ऐसा होगा कि पहले आपको ऑटो कैड का बेसिक्स पता होना चाहिए, होप सो कि पता हो, उसके बाद स्टैट प्रो सीखना आना चाहिए, स्टैट प्रो, क्योंकि पीवी का मैक्सिमम काम इंडिया के अंदर जो हो रहा है, अभी बोलो 80% जो काम हो रहा है उसकी एनालिसिस स्टैट प्रो पे हो रही है, ठीक है। स्टैट प्रो के बाद आपको आना चाहिए एक्सेल सीट, ठीक है, एक्सेल सीट में कनेक्शंस वगैरह का डिजाइन करना, एक्सेल सीट आना चाहिए। और तीसरा चीज अगर कुछ आना चाहिए वो तो आना चाहिए टेक्ला स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप ऑटो कैड सीखिए, स्टैट प्रो सीखिए और टेक्ला स्ट्रक्चर सीखिए, ये तीन सीख के सफिशियंट है, ठीक है। फिलहाल मैंने अपने ऐप में ईटैप भी सिखा दिया है, पर ईटैप का इंडिया में पीवी के ऊपर बहुत कम मार्केट है, तो बेटर है कि आप सिर्फ ऑटो कैड, स्टैट प्रो और टेक्ला स्ट्रक्चर सीख लीजिए। इसके अलावा कुछ स्टील के सिलेबस है, तो मतलब स्टील में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो मेरा ही सिलेबस आप ले लीजिए, उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक एक टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख के आराम से समझ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिए, इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा, और कुछ नहीं सर करना है। ये सिलेबस आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगा? सर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा, हमारे टीम का किसी का भी नंबर होगा आपके पास तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, भेज देंगे, या फिर मुझे लगता है अभी होगा, मुझे पता नहीं है इसलिए नहीं होगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू तो सर, मैं थैंक यू भिजवा सो दूंगा, मच। ठीक है, ओके जी। और या तो ऐप में एक बार देख लो, जहां तक ऐप में होगा जरूर, ठीक है, ठीक है सर, चलिए मैं विजिट कर लूंगा सर। बिल्कुल जी, थैंक यू। पिंटू जी थैंक कुछ यू। बोलना चाह रहे हैं, पिंटू हमारे पहुंच गए, चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, एक एक करके जिस तब तक पहुंच लें, क्या बोलते हैं, पिंटू बोलिए। हेलो यस पिंटू, सर, मैं ये कह रहा था कि हाँ पिछले मैं तो आपसे पिछले अप्रैल से जुड़ा हुआ हूँ। ये था कि अगस्त महीने से जो है ना, मैं जिस कंपनी मैं पिछले अगस्त में पहले था, अप्रैल में, तो वो लोग हमको बीडी में रखे हुए थे, बिजनेस डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। लेकिन मैं आया था ये कह, मुझे भरोसा दिया गया था कि तुमको जो है एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर साइट पे हम भेजेंगे, लेकिन जब मुझे यहाँ लोगों से पता चला कि बीडी में ही रखकर ये लोग हमारे कैरियर बर्बाद कर देंगे, फिर मुझे स्ट्रक्चर में तो भेजा अगस्त से, जब यहाँ आया तो ये लोग इतने सारे स्ट्रक्चर के कोड दे दिए ना, 5678, 112, ये सब, कि उसके बाद मुझे पढ़ पढ़ के किया, लगभग 2 महीना बीता अगस्त से। तो अक्टूबर से क्या हुआ कि ये लोग सबसे पहले मुझे कलवट का डिजाइन और ड्राइंग दिए, इसी तरह से फुट ओवर ब्रिज का आया, इसी तरह से एक वाला प्रोजेक्ट का था तो ब्रिज का आया हुआ है अभी फिलहाल। होता ये है सर दिक्कत मेरा कि जो डिजाइन आता है वो तो 80 पेज, 84 पेज, 204 पेज का है, उसमें होता है कि जो बीटेक में लोग पढ़ते हैं ना सर, आरसीसी, स्टेप बाय स्टेप ये चीज करते चले जाते, उससे रिलेट करके हम लगभग अपना जो अनुमान बताते हैं कि जो डिजाइन मेरे पास भेजा जाता है उसमें जो वहां से रिलेट होता है, लगभग 30 से 40% चीज को ही हम कैलकुलेट करके ओके कर पाते हैं। उसमें स्टैट वगैरह का टेबल इतना ज्यादा कट कॉपी करके रखा रहता है कि वो हमसे समझ में आता नहीं, और ये चीज जब हम अपने सीनियर को बताते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, ये चीज तुमको खुद से सीखना पड़ेगा। तो कई बार दिमाग में ये आता है कि हकीकत में जो मेरा सीनियर है सर, बहुत सीनियर है, 15-20 साल का उसका बेसिक का एक्सपीरियंस है, वो सही से मुझे गाइड करता भी नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी डाटा वाकई में स्कैड से लेकर के यहाँ पेस्ट किया जाता है, या वाकई में कौन सी चीज है जो हम बीटेक में शायद हम नहीं केयर किए होंगे पढ़ाई में, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसी को लेकर के थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। देखो टू बी फ्रैंक, मैं क्लियर कर दूं पहले पिंटू, मेरा ना 8 साल का हाँ हाँ एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन ये 8 साल का ठीक है सर, एक्सपीरियंस हार्डकोर बिल्डिंग के अंदर है, ठीक है। तो ठीक है सॉरी टू सर, से, मैं ब्रिज का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया, ठीक है, बट बिल्डिंग के मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए हुए हैं। अगर तुम्हारा ये डाउट बिल्डिंग से रिलेटेड होता तो मेरे लिए बहुत चुटकी वाला काम था, ठीक, बहुत सर चुटकी सर वाला सर काम सर, बोलो। बिल्डिंग में भी सर, टोल प्लाजा बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ बिल्डिंग, टॉयलेट ब्लॉक, ये सब का भी डिजाइन आता है सर बिल्डिंग का, उसमें भी जो बीम वगैरह है, सियर में चेक करो, उसमें भी मैंने रेनफोर्समेंट ओके साइजिंग है की नहीं थी, है, पंचिंग है, तो ये चीज तो वो करते हैं, लेकिन उस डिजाइन में सर स्टैड वगैरह को कैसे रिलेट करके इतना सारा डाटा दे देता है, तो
मुझे लगता है जो डिजाइन 5 पेज 10 पेज में होना चाहिए था, स्टैट का डाटा भर भर के वो 70 पेज 80 पेज कर अब देते हैं। देखो तो कैसे होता है, आज ठीक है कि अभी मेरा सीनियर सपोर्टिव है, लेकिन एक दिन पूछेगा कि ये सब चीज का नॉलेज है तुम्हारे पास तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं पीछे पड़ा था कि सर बैच आपका कब से स्टार्ट होगा। ठीक है। देखो सबसे पहले पिंटू बैस तो चलो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक चीज हाँ कड़वा सच अपने अंदर मानो कि तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, अब इसको तुम एग्री करो या ना करो, मैं तो टीचर आदमी क्लियर नहीं आदमी होता यार हूँ। सर, बिल्कुल जिम में हम ज्वाइन किए थे, बिल्कुल भाग दौड़ में नहीं वो कर हाँ पाए। पहले ऐसे कि मतलब मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए, खाना बाद में पहले क्लास। ठीक है, जब ये चीज रख लोगे ना तो अब कैसे होता है पता है, आपके सिलेक्शन से हमें कितना फायदा होता है, हमारा पूरा दिन बन जाता है, ऐसा लगता है आज कुछ अचीव हो गया। ठीक है, और यस उसके लिए यस चाहिए हमें क्या, हम बिलीव करो मैं सोचता हूँ मेरे पास सिर्फ डेडिकेटेड लोग आए जिनको मैं इतना मेहनत करा दूं कि मैंने अपने 8 साल में मैं कितना क्लियर इंसान हूँ सोचो, कि मैं खुद बता दिया भाई ब्रिज में मुझे नहीं आता, लेकिन बिल्डिंग में तुम फोन पे, आज लड़के एक लड़के ने नाम नहीं आता रहा, फोन पे उसने पूछा सर ये मेरी फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ रही, मैंने बोला ये प्रॉब्लम आ रही होगी, उसने बोला हाँ, बोला मुझे फोन पे पता रहता है ये, जैसे वो जादू टोना वाले नहीं होते कि फोन पे कर दूंगा सही हो जाएगा, तो मैं फोन पे भी मुझे इस बात का सर प्रकांड रहता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा। आ जाओ ये मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन गारंटी तभी यस दूंगा जब 80% से ज्यादा मेरे पास तुम प्रेजेंट रहोगे। ठीक है, अगर रहोगे मैं सर इस तुम्हारा बार दिमाग, रहेंगे, क्योंकि अब तो ऑफिस वर्क की तरह अब से हाँ हर दिन दिमाग बैठना में है एक यहाँ चीज पे रखो, तो हो जाएगा। दिमाग में एक चीज रखो कि 80% से ज्यादा रख गया तो क्या बोलते हैं बेस्ट सब हो जाएगा तब, क्योंकि सब कुछ वही है यार, जब प्रेजेंट रहेंगे सीखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा ना। ठीक है यस सर यस सर चलेगा, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ध्रुव ज्योति का, और सभी अपना हैंड रेस करिए, सभी लोग शर्माना नहीं है, क्वेश्चन पूछिए, आप लोग आए हैं तो हैंड रेस करके पूछ लीजिए। हाँ सर, हेलो सर। हाँ बोल रहे सर, मैं तो आपका रिकॉर्डेड क्लास का स्टूडेंट हूँ सर। तो मैंने आज तुम्हारा ही आरसीडीसी इंस्टॉल किया था ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ बोलो। हाँ तो सर उधर में सर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कुछ दोस्त है कनेक्ट एडिशन स्टैट प्रो में काम करते हैं। वो बोल रहे थे कि स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन में अब बहुत प्रचलित हो गया है वाला सॉफ्टवेयर VATA से। तो सर VATA और कनेक्ट एडिशन में सर कौन से ज्यादा स्कोप का डिफरेंस कुछ है सर? दोनों ही अच्छे हैं इस बार, जो अभी जो जिस बैच के लिए हम लोग यहाँ पर हैं इस बैच में मैंने कनेक्ट एडिशन ही डाल दिया। ठीक है, तो अभी जो आएगा वो पूरा कनेक्ट एडिशन ही आता है। ठीक है, मतलब VATI भी सीखा हुआ, क्योंकि अभी भी 70% लोग VATI यूज कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि VATI भी सीखा हुआ और ठीक है, इसीलिए तो देखो अभी SAP 2000 डाल दिया, हमारे सिलेबस में तो नहीं है, देखो ऑल इन वन में है क्या, नहीं है। ठीक है, इस बार ऐड किया है। ठीक है, तो जो भी मार्केट में नया लगेगा मुझे जरूरत, मैं आगे भी ऐड कर दूंगा, जो लगेगा काम का नहीं है मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग सीखना है। देखो कैसे इंजीनियरिंग तो बहुत सीख लिया आपने, 4 साल में बहुत किताबें पढ़ी, बट मार्केट में क्या चाहिए वो सीखा क्या। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा लोगों को, हमेशा टारगेट रहता है इसलिए अभी मैंने कई चीजें ऐड कर, माइक्रो स्टेशन से ऐड कर दिया हमारे और सर मैं PEB का भी कोर्स लिया हूँ सर। तो उधर में सर थोड़ा सा जानना चाहिए था कि आर्क स्टील स्ट्रक्चर जो है वाला कितना स्कोप है सर आजकल का कंडीशन में। ओके ठीक है, माइक ऑफ कर दो, बस एक क्वेश्चन था और ये पूछना, आराम से हो जाता है क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके सर, और एक चीज था सर कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हैं उधर में सर स्टडी मटेरियल का कैसे यूज करना चाहिए सर, मतलब पूरा बेस्ट टाइम देने के लिए सर, डेडिकेशन देने के लिए कैसे रिकॉर्ड स्टडी मटेरियल यूज करें ओके। सर? इनका एक क्वेश्चन तो ये है कि हम स्टडी मटेरियल को किस तरीके से क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन इनका था कि स्टील स्ट्रक्चर में जाऊं या फिर RCC में जाऊं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्टील में भी मैंने काम किया, RCC में भी काम किया, तो मैंने ये देखा हुआ है कि अगर आपका जिस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर उसमें करियर आप बनाते हो, बिलीव करो उसमें आपका करियर हमेशा ब्राइट होता है। ठीक है, और रही बात स्टील का, बहुत डिमांड है, रही बात RCC का, बहुत डिमांड है, बट किसके लिए,
जो उस स्किल के अंदर परफेक्ट है। ठीक है, आप अभी खोजने के लिए जाओ, स्ट्रक्चर इंजीनियर दुनिया में बहुत ढेर सारे हैं, अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर खोजने जाओ, आपके शहर में दो चार होंगे। ठीक है, कल मैं न्यूरो के डॉक्टर सर्च कर रहा था, आज भी कर रहा था, न्यूरो के डॉक्टर पूरे हमारे सिटी के अंदर करीब करीब 100-150 हैं, बट जब अच्छे डॉक्टर की लिस्ट बनाने बैठा लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग तो हार्डली 3 या 4 मिले। कितने मिले? 3-4। जस्ट डायल पे लगभग 100-150 लिस्ट है, बस 3-4। तो अगर आप उन कैटेगरी में आ सकते हैं 3-4 में या फिर टॉप 10 में, तो बेहतर है कि आप स्टील में करिए, अगर मजा आ रहा है तो आरसीसी में करिए तो मजा। आप बोलेंगे सर करूं किस में, ये पहले क्लियर कर दीजिए। तो ये मेरे से मत पूछो, क्योंकि अगर मेरे से पूछोगे तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट मुझे नहीं पता है ना। तो तुम दोनों पे काम करो, जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी पीईवी भी है, ऑल इन वन भी है। ऑल इन वन इज ऑल अबाउट आरसीसी, ये जो हमारी ट्रेनिंग पूरी चलने वाली है गाइस, इसमें 95% पूरा आरसीसी रहेगा। ठीक है, पहले से क्लियर कर लीजिए। तो जब आरसीसी में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इसको कंटिन्यू करो, स्टील के दो चार लेक्चर्स वॉच करो, दो चार प्रोजेक्ट्स बनाओ, इंटरेस्ट उसमें आए उसमें करियर करो। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोनों में करियर ब्राइट है, डिपेंड करेगा आपके नॉलेज और आपके इंटरेस्ट पे। ठीक है, और रही बात स्टडी मटेरियल की, तो लेक्चर वाइज अगर स्टडी मटेरियल देखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा लेक्चर वाइज। एडाब सॉफ्टवेयर के लिए लिंक है क्या सर आपके पास? हाँ, सॉफ्टवेयर के लिए लिंक नहीं, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर दे देते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर पिन कर देना, आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, शुभम गुप्ता का जी क्वेश्चन, सर। ओके ठीक है, और भी किसी का रहेगा हैंड रेज कर लीजिए, तब तक शुभम गुप्ता का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अभित का क्वेश्चन। हेलो यस शुभम गुप्ता बोलिए। सर ये कह रहा था कि मास्टर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है, अभी मेरा बीटेक खत्म हुआ है 2023 में, तो मास्टर स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। तो इसका कोई आगे स्कोप है कि बेसिक नॉलेज अपना रखना चाहिए? मतलब स्ट्रक्चर का फ्यूचर में स्कोप, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, उस मास्टर डिग्री का, यानी अच्छा कि मास्टर, नॉलेज तो जैसे रहेगा वैसे, पर ये जैसे मास्टर हो गया डिग्री के उसमें, तो उसका कोई जैसे कि हाँ। एक क्वेश्चन लोग मैं मानते हैं कि आप मास्टर। समझ गया, मैं एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन तुमने पूछा है। अभी बताओ बीटेक करने का कोई फायदा है? बीटेक वो करने के लिए क्यों किया? 23 में सर, नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बीटेक करने का कोई फायदा? आराम से बताओ, टेंशन मत लो, रिलैक्स। बीटेक करने का कोई फायदा है या फिर पढ़ने का कोई फायदा है, ये बता दो। बीटेक छोड़ो, पढ़ने का कोई फायदा है? उसके फील्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज मिलता। पढ़ने से या फिर डिग्री करने से, चाहे तुम बीटेक डिग्री हो या फिर कोई भी डिग्री हो या फिर मास्टर्स करने से, जैसे जैसे आप हायर डिग्री में जाओगे, शायद ये भी आपको ना समझ आया शुभम, जैसे जैसे हायर डिग्री में जाओगे आपका ब्रेन ओपन होता है। ठीक है, ब्रेन जो है खुलता है। ठीक है, तो डिग्री इसलिए करना चाहिए कि ब्रेन खुले, मास्टर्स इसलिए करना चाहिए कि और ब्रेन खुले, और पीएचडी और करना चाहिए जिसे एकदम से ब्रेन खुले। ठीक है, जितना आप ज्यादा स्टडी करो, देखो क्या मास्टर में क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर डायनेमिक्स का पूरा एक सब्जेक्ट है, आपके डिग्री में एक टॉपिक है, एक पूरा सब्जेक्ट है, एडवांस स्टील डिजाइन का वहाँ एक सब्जेक्ट है। ठीक है, अर्थक्वेक का पूरा वहाँ पर एक सब्जेक्ट है। तो मतलब क्या हो रहा है, जितना हायर स्टडी पे जाओगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन खुलता है, इसलिए अगर आपको ब्रेन खोलना है बिल्कुल जाइए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा केवल इस समय अगर तुम डिग्री कर रहे हो, सॉरी मास्टर्स कर रहे हो, तो मास्टर्स के लिए फुल टाइम डेडिकेट करना आज के टाइम के हिसाब से सही नहीं है। जॉब करो, जॉब के साथ कहीं से अगर करना चाहो तो कर लो, ऐसा मैं बोलूंगा। अच्छा, उसी में थोड़ा सा डाउट लग रहा था। फुल टाइम मत दो। ठीक है, फुल टाइम दोगे तो क्या रहेगा ना, कि तुम्हारा समय खराब होगा, और आज के टाइम में वो जो एजुकेशन अपना वाला है ना, उससे ब्रेन तो खुलता है बट मार्केट उसकी वैल्यू नहीं कर रहा है। मार्केट किस चीज की वैल्यू कर रहा है? स्किल की, ईटीएफ्स की, एसएपी की, स्टेट की, सेफ की, इनकी वैल्यू ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू इन सभी डिग्री के। समझ रहे सिविल हो? मैंने सर, हाँ सर, सिविल मैंने इसी जैसे लिया था क्योंकि डिजाइनिंग मुझे करना था, बिल्डिंग डिजाइनिंग की डिजाइनिंग के लिए। में बहुत ज्यादा स्कोप है जो अच्छे हैं। एक तुम्हारे नाम का एक शुभम तिवारी करके है, ठीक है, जो कि नोएडा का, नोएडा में रहता है। ठीक
ठीक है, यूपी का है, और क्या बोलते हैं उसका अभी करेंट जो पैकेज है वो 10 लाख का है, और एक्सपीरियंस आप सुनोगे तो बहुत लोग एसएससी का है, क्या ही बोल रहे हैं सर, 10 लाख का एक्सपीरियंस, 10 लाख का पैकेज, 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस। और कई लोग जो एक्सपीरियंस होंगे यहाँ पर वो सोचेंगे क्या सर, ठीक है आप जाके उसका पॉडकास्ट सुनो, ऑफर लेटर उसका मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, ऑफर लेटर भी देख सकते हो, 10.10 लाख का पैकेज 2 साल के एक्सपीरियंस पे पाने वाला लड़का है। तो मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के स्कोप बहुत ज्यादा है उनके लिए जिनका नॉलेज बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, जॉब नहीं है, और बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन हो गया गुप्ता, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, यही ओके था ओके, अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सर, ये पूछना था कि सर BIM और सर स्ट्रक्चर इंजीनियर दोनों अलग अलग है या एक ही है सर? अलग अलग है। BIM का मतलब देखो, एक BIM कंसल्टेंट होता है, एक होता है स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, या फिर बोलो बीम कंपनी, स्ट्रक्चर कंपनी, चाहे जो नाम दे दो। बीम का मतलब होता है जो कुछ आप ऑन साइट कराने वाले हो, फुटिंग कराओगे, कॉलम बनवाओगे, एलिवेशन बनवाओगे, वाटर टैंक बनवाओगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाओगे, सेप्टिक टैंक बनवाओगे, गार्डन बनवाओगे, तो स्विमिंग पूल बनवाओगे, सोसाइटी बनवाओगे, जिम बनवाओगे, सब बनवाने वाले हो। ये जो बनवाने वाले हो इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर लेना पहले, सारी गलतियों को मिनिमाइज कर लेना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहले, दैट इज कॉल्ड बीम। और ये सारा जो स्ट्रक्चर जो बनवाने वाले हो और यहाँ जो बना रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा इसको चेक करना, दैट इज द वर्क ऑफ द स्ट्रक्चर इंजीनियर। क्लियर अभी? यस सर, यस सर, ओके, ओके थैंक यू सर। ओके जी, इससे आसान तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मोहन जी अपना माइक ऑन कर रहे हैं, पूछ लीजिए मोहन, पूछिए। हाँ यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मैं PB में काम कर रहा हूँ अभी अभी। मेरा जॉब रोल है डिटेलिंग का, तो उसमें मैं पर्लिन डिटेलिंग करता हूँ, सैग्रो डिटेलिंग करता हूँ, और उसमें और शीटिंग का भी डिटेलिंग करता हूँ। तो मुझे ऐसा कहना है कि जो मैं डिटेलिंग करता हूँ तो मुझे डिजाइन फील्ड में स्टेप बाय स्टेप कैसा जाना चाहिए? डिटेलिंग टेक्ला पे कर रहे हो या फिर SGS2 पे कर रहे हो? ऑटोकैड पे कर रहा है सर मैं ऑटोकैड अभी। पे कर रहे हो, तो बेसिकली ड्राफ्टमैन हो गया, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन, राइट। हाँ और तुम्हारे प्रोफाइल भी ये दिया है, डिटेलर दिया हुआ है प्रोफाइल? सर एक्चुअली मैंने अभी जो मुझे जो मेरे मैनेजर है वो सर बोले कि 1 साल के लिए तुम डिटेलिंग करो, उसके बाद डिजाइन फील्ड में लेंगे ओके, ऐसा। अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तुम्हें उस प्रोफाइल में? हो सर, यस सर, मुझे मजा आ रहा है उसमें सब। एक्चुअली मैंने 2 साल में PAB में काम किया है, उसका बिल ऑफ मटेरियल निकलने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैं डिटेलिंग में आया, अभी ऐसा सोच रहा है वो कि उसमें डिजाइन में कैसा जाने का। वेरी गुड, बहुत आसान है। अब तुम डायरेक्ट फोकस करो स्टैट प्रो पे, ठीक है? बट ये स्टैट प्रो ये वाला नहीं जो आप यूट्यूब पे देखते हो या फिर जो मेरे कोर्स में देखते हो, ये स्टैट प्रो काम नहीं करेगा, ठीक है? इसके लिए चाहिए स्टील स्ट्रक्चर वाला स्टैट प्रो, ठीक है? उस क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है डायनेमिक बेंड, शायद पहली बार सुन रहे हो या कई लोग पहली बार सुन रहे हो, जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं, वेयर हाउस वगैरह ही बनाते हो क्या PEB में? यस, तो वेयर इनमें जो हाउस। लगता है वो लगता है डायनेमिक बेंड, ठीक है? अब तुम यूट्यूब पे वीडियो खोज लो डायनेमिक बेंड का, शायद मेरा हो तो हो, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता मेरा है कि नहीं, बट होगा ही नहीं किसी का, ठीक है? तो ये मेन उसका कोर है, ठीक है? तो तुम सीखो स्टैट प्रो बट PEB वाला, ठीक है? अच्छा तो ये क्या बोलते हैं, मेरे उस पे ऐप में है एक कोर्स, ठीक है? अभी मत लो, अभी ऑफर लो, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है, 7,000 का है, तुम्हारा अफोर्डेबल है तो कर लो, मुझे नहीं दिक्कत है। बट अगर वेट कर लोगे तो कोई ऑफर आएगा कोई फेस्टिवल वगैरह पे, तो ऑफर पे ले लेना, शिवरात्रि पर आएगा ऑफर, ठीक है? अच्छा या शिवरात्रि पर आएगा, रमजान पे आ सकता है। तो उसमें क्या करना, तुम वहां से PEB को रजिस्टर कर लेना, उसमें तुम्हें ज्यादा मैंने नहीं कराया है, पहले क्लियर कर दो, ठीक है? हार्डली 1 या 2 ही मिनट कराया हुआ है, बट आपका काम हो जाएगा जो आपको सीखना है, ठीक है? अच्छा बेसिक स्टैट प्रो जो है वो ETF से भर भर, उस पे यूट्यूब पे भर भर के है, उसकी जरूरत नहीं है तुमको। तुमको जरूरत है पलिन क्यों लगाते हैं, जेड टाइप का पलिन कहाँ लगाते हैं, एस टाइप का क्या यस बोलते सर, हैं, यस सर, सी टाइप का पलिन कहाँ लगाते सी हैं, टाइप का पढ़ ली, ठीक है? यस सर, सैगिंग रॉड कहाँ लगाते हैं, ब्रेसिंग्स का हाँ यूज क्या है, ब्रेसिंग्स यस कितने सर, एमएम की लगाएं,
समझ रहे हो, मोमेंट यस कहाँ सर, ज्यादा आ रहा है, तो वहां स्टील कितना लगेगा, ये समझना है। यस सर, ठीक है, इसी पर मैं एक लाइव लेक्चर ही लेने वाला हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन इस समय मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, अच्छा सर, और क्या बोलते हैं, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अभी रिकॉर्डिंग से काम चला लो, ठीक है। अभी देखो एक हाँ श्रीनिवास करके आए हुए, तो बहुत दिन से परेशान है, 2-3 महीने से, ठीक है। मैं अच्छा जल्दी सर, कोशिश करूंगा, जैसे समय मिलेगा, एक पीवी पर स्पेशल, पीवी का स्पेशल कोर्स ही रहेगा वो, क्योंकि इसमें अच्छा सर, मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ जो हैंगर्स बनाते हैं, एयरक्राफ्ट हैंगर जो हवाई जहाज वगैरह रुकती है, एयरपोर्ट एयरपोर्ट के जो सेट्स होते हैं वो बताए, बहुत मजा है उसमें, लेकिन वही बोला ना, इंटरेस्ट है तब, ठीक है। अच्छा तो सर, उसमें तुम करो स्टैटपो सीखो, और स्टैटपो सीख के कुछ लोग ईटैप पे भी करते हैं, बट ईटैप का मार्केट है नहीं इंडिया में, ठीक है, तो स्टैटपो को ज्यादा फोकस करो, और उसके सर साथ अगर उसमें तुम कर सको तो मतलब एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट अगर कर सको तो टेकला और यस SDS2, ठीक है, इनका मार्केट इंडिया में बहुत ज्यादा है, टेकला और SDS2, ये डिटेलिंग के लिए है, जो तुम 2D डिटेलिंग करते हो इसी को 3D डिटेलिंग अभी मार्केट कर रहा है, उसके लिए हाँ सर, SDS2 और 3D टेकला स्ट्रक्चर्स बहुत यूज करते हैं अभी वो। सर हमारे ऑफिस में टेक्ला का नया टीम आया है। अभी हमारा एक्चुअली जर्नी पूरा स्टैड प्रो और एटोकैड में ही चल रहा था, तो हमारा नया टीम टेक्ला में आया है। हाँ सर, मैंने तुमको क्या बताया, हाँ स्टैट सर, प्रो हो गया टेक्ला और में टेकला, ज्यादा, हाँ हाँ सर, टेक्ला में अभी लेटेस्ट हमारा टीम नया है, इसलिए उस पे काम चल रहा है। तो उसके बाद टेक्ला होने के बाद वो क्लोन वगैरह करके उसका 2D कौन डिटेलिंग भी सा, नहीं करते दोबारी, हैं सर। डायनामिक कंसल्टेंसी, नोएडा में है क्या, नहीं सर, पुणे सिटी, कहाँ पर खोला, पुणे में यार, डायनामिक कंसल्टेंट सर्विस कंपनी नाम की है, कहाँ पर है ये, जो ये हिंजवड़ी लोकेशन पे। हाँ ओके, सर, हिंजेवाड़ी है, तभी तो मैं पुणे की मैं हर कंपनी जानता हूँ, मैं पुणे में ही रहता हूँ, यस तो ये सर, हिंजेवाड़ी हो गया इनके भी स्पेशल, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं सर। मैं समझ गया, डायनेमिक करके है, उसमें हमारे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो चुका था ड्राफ्टिंग के लिए, हाँ ऑटोकैड पर अभिषेक करके एक स्टूडेंट था, उसका सिलेक्शन हुआ था काफी समय पहले, ठीक हाँ है, 1 साल हो गया लगभग, वहां पर हाँ ओपनिंग निकली हुई थी, और एक और लड़का है, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बट है अतीश पाटिल, अतीश पाटिल करके शायद वो गया था, पता नहीं ज्वाइन किया कि नहीं किया, इंटरव्यू जरूर दिया था वो, ठीक है। अच्छा सर, हाँ चलो, हो गया, यस डाउट सर, क्लियर हो गया मोहन, क्या सीखना है, स्टैट को यस सीखो, सर, यस ठीक सर, है, ओके चलो, सर, और स्टैट को जो मैंने बोला है, अगर तुम ये इंस्टीट्यूट हाँ, इंस्टीट्यूट के चक्कर में पड़े ना तो फंस जाओगे, वो काम का ही नहीं है तुम्हारे, ठीक है। स्टेट प्रो पीएबी वाला सीखने का, हाँ वो कोई किसी के पास होगा नहीं, जान लो, ठीक है, हाँ हाँ इंडस्ट्री वाला ठीक होगा है जो ये सर, सिखाएगा, ठीक है, वही सर, चलेगा, थैंक यू सर, ओके जी। ओके नाउ मिस्टर फैज, फैज अकरम, बड़ा गिटार उड़ा लगाया यार, क्या बात है, मिस्टर फैज अकरम, कोई क्वेश्चन है, और किसी कोई क्वेश्चन है, फटाफट पूछो गाइस, हैंडल्स तो कर लो, ठीक है। ध्रुज ज्योति, कोई और क्वेश्चन है क्या तुम्हारा, सर। हाँ सर, 3 क्वेश्चन था सर। ऑल इन वन जो कोर्स है सर, उधर ना सर जितना प्रोजेक्ट है वो वाला एडिक्वेट होगा सर हम यहाँ लोग पर के ना, लिए? हाँ, इसमें तो ये नहीं लाइव है ना, सर, जो ऑल इन वन जो कोर्स ऑल इन वन आप इसमें तो लेट है वो सारे प्रोजेक्ट, बट उसके अलावा भी प्रोजेक्ट, क्योंकि 4 महीना है ना, ठीक है, अच्छा इसमें अच्छा 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक अच्छा है। तो सर हम लोग जो ऑल इन वन का स्टूडेंट है सर, हम लोग चाहते तो कैसे जो लाइफ कोर्स में कैसे ज्वाइन करें सर हम लोग? देखो जो ऑल इन वन के लोग हैं वो ऑल इन वन की आपकी जो फी है वो आपके इस लाइव क्लास में माइनस हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं आपसे लिया जाएगा कभी भी, ठीक है। तो जो आपका ऑल इन वन में जो भी आपने XYZ अमाउंट पे किया होगा उसका रिसिप्ट हमारे पास रहता है, तो वहां से आपकी फी एड माइनस होके बाकी आपको जो रेस्ट अमाउंट रहेगा आप अंकित सर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, शायद उनका कॉल आपको गया भी होगा, तो आप करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ओके सर, ओके जी। नाउ मिस्टर फैज, कुछ पूछना है, और किसी कोई क्वेश्चन है फटाफट पूछो, नहीं तो फिर विराम दिया जाएगा, ठीक हेलो है। सर, हाँ जी बोलिए प्रणोद। सर स्टैट प्रो के अंदर डिजाइन और एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? और डिजाइन मुझे सर, एक क्वेश्चन था कि सॉफ्टवेयर में जो इटैप, स्टेकला और स्टैट प्रो का सॉफ्टवेयर है उसमें क्या डिफरेंस है आउटपुट में, सर पर जो सॉफ्टवेयर सवाल है में पहले क्या क्वेश्चन डिफरेंस पहला है? वाला ले लो, उसके बाद दूसरा ओके पूछो तो सर, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक, थैंक यू सर, पहला क्वेश्चन तुम्हारा था कि एनालिसिस और डिजाइन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि चेतन कौन है, चेतन क्या करते हैं,
चेतन की हैबिट्स क्या क्या है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, चेतन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, चेतन क्लास में कैसे थे, कंपनी में कैसे हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, ये सब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। और अब मैं बता रहा हूँ कि चेतन एक अच्छे लड़के हैं या फिर चेतन एक बुरे लड़के हैं, ये क्या है, डिजाइन। आया समझ में? यस सर। समझ गए? तो मतलब चीजों को एनालिसिस करते, से लोग एनालिसिस नहीं करते कि क्या बोलते हैं ये प्रोग्राम घर में है तो इतने लोग आ सकते हैं, ये सब तो क्या हो गया, एनालिसिस हो गया ना, वो बुआ जी आएंगे, वो फूफा जी आएंगे, क्यों खास है, ये है वो है, बट डिजाइन क्या है, उस दिन जो जो आए, राइट। तो रिजल्ट इज बेसिकली यू कैन से कि रिजल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन पूछो तुम। सर सॉफ्टवेयर में डिफरेंस टैटो इटैक और टेकला, जो आउटपुट हम लेते हैं उसमें डिफरेंस क्या आता है? करेक्ट करेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो ये बताओ, बजाज और क्या बोलते हैं, एक बजाज की गाड़ी भी आती है और एक हीरो होंडा की भी आती है, राइट। तो दोनों ही काम लगभग लगभग वैसे ही करते हैं, क्या बोलते हैं, बजाज भी वही काम करता है और क्या बोलते हैं हीरो भी वही काम करता है। लेकिन बोलोगे कि सर तो डिफरेंस नहीं होगा तो फिर मार्केट में क्यों है दोनों, ठीक है। तो लाइफ बॉय वही काम करता है, लक्स भी वही काम करता है। इसका बेसिक और अच्छे से एग्जांपल दूं तो स्टेटो जो है वो एक स्प्लेंडर गाड़ी है, छोटे स्ट्रक्चर को अच्छे से सस्टेन करता है स्प्लेंडर, ठीक है। और क्या बोलते हैं जो ईटीएफ से वो R15 देखा हुआ है, R15, ठीक है, तो वो R15 है, रेसर है, हाई राइज बिल्डिंग कितना भी बड़ा हो, दुनिया का सबसे बड़ा हाई राइज बिल्डिंग कौन सा है बताओ, गलत पता है, गलत बताओ, बल बताओ, सभी कोई बता सकता है, कमेंट करके बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है? बुर्ज खलीफा। यस, उसे डिजाइन किसने किया है पता है? ईटीएफ। मतलब समझ गए ना, जितना हाई लोड का वर्क है, ठीक है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने के लिए ईटीएफ सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। और जो सस्टेन करने वाली चीज जैसे कि पीईवी है, G+5 G+3 का स्ट्रक्चर है, इसके लिए स्टेटो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ऐसा है इनका डिफिनेशन। और टेकला रही बात, तो टेकला ये दोनों काम नहीं करता, टेकला में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टेकला दो है, ठीक, वैसे तो तीन है बट आपके लेवल पर दो ही बताता हूँ, टेकला स्ट्रक्चर्स और टेकला स्ट्रक्चर डिजाइनर। अब बोलोगे सर इन दोनों में काम डिफरेंस क्या है, टेकला स्ट्रक्चर जो सॉफ्टवेयर है जो फेमस है इंडिया में, उसका काम है डिटेलिंग करना 3D में, जो अभी मोहन बता रहे थे ना कि मैं ऑटोकैड में करता हूँ, पलीन लगाता हूँ, साइकिल लगाता हूँ, इसी काम को डिटेल 3D में करने के लिए हम लोग टेकला को यूज करते हैं, टेकला स्ट्रक्चर्स जिसको नाम है। तो ये टेकला स्ट्रक्चर डिजाइनर का क्या काम है, उसका वही काम है, या फिर बोलो उसी का भाई है, किसका भाई है वो भाई है स्टेटप्रो का। तो जो स्टेटप्रो और ईटीएफ्स करता है वही काम टेकला स्ट्रक्चर डिजाइनर करता है, बट मार्केट टेकला स्ट्रक्चर डिजाइनर का ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनका आउटपुट मुझे भी कुछ खास नहीं लगा, इसलिए सबसे ज्यादा लोग स्टेटप्रो और ईटीएफ्स यूज कर रहे हैं, और टेकला में केवल टेकला स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, एक और है टेकला टेट्स, बस वो आपके काम का अभी के लेवल पे नहीं है। क्लियर प्रणति, क्लियर हो गया? यस सर। चलो और किसी का क्वेश्चन रह गया तो पूछ लो भाई, नहीं तो बाद में बोलोगे सर मेरे क्वेश्चन नहीं लिए, लास्ट टाइम मैंने वेबिनार किया और मैं पूछ रहा हूँ कि पूछो पूछो पूछो, कई लोग नहीं पूछे, पर न पूछने के बाद में बताए कि सर ने मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, पूछोगे तब तो पूछो क्वेश्चन लूंगा। हेलो नयन, पहले हैंड रेज, पहले हैंड रेज कर लो, वहां पर हैंड रेज कर लो, प्रवीण सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे रैबिट और 3D मैक्स में डिफरेंस वो पता नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे सीखना, मतलब किसमें फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा है, रैबिट में या फिर 3D मैक्स में? अच्छा, तुमने डिग्री किया और डिप्लोमा किया हुआ है? डिग्री किया हुआ है सिविल से। डिग्री किया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें पलीबत तो केवल फिलहाल तो रैबिट सॉफ्टवेयर, अगर बेसिकली आंसर तुम पूछ लो टेकला और 3ds Max में, रैबिट और 3ds Max में अंतर, तो रैबिट, रैबिट क्यों? क्योंकि रैबिट 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाता है, बीम का बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो रैबिट जो है वो ज्यादा डिमांड में है, बट मैं बोलूंगा अगर आप रैबिट सीख रहे हो तो कंप्लीट बीम सीखना तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे केवल स्टेटपो सीखना या फिर स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टेटपो सीखना, तो ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा ना जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो, ठीक है। तो केवल रैबिट मत सीखो, ठीक है, केवल रैबिट के लिए चार्ट शॉट कमांड जान जाओगे, कार्टून मॉडल बना लोगे, वो पर्याप्त नहीं है,
ठीक है, उसमें अलग अलग डिसिप्लिन है, बीम के कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल फाइल है, कैसे कनेक्ट करेंगे, बीएम 360 है, स्कैन वाली फाइल को कैसे स्कैन टू बीम को कनेक्ट करेंगे, कैड टू बीएम, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसके लिए जो तुम सीखना, तो रेविट सीखना और रेविट के साथ कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ बीम का कॉन्सेप्ट। ओके सर, ओके। और जहाँ भी सीखना, अगर अगर कुछ समझते हो तो मुझे सिलेबस दिखा देना, ठीक है, मैं बेहतर बता दूंगा कि ये सही है या नहीं। ठीक है, ओके केवल रेविट पर्याप्त नहीं है। और रही बात 3ds Max की, तो 3ds Max का फुल फॉर्म पता है? हाँ, 3D Max, वो 3 डायमेंशनल जो होता है। पूरा बताओ। 3 डायमेंशनल Max। 3 डायमेंशनल स्टूडियो Max। हाँ। ठीक है, उससे अच्छा इंटीरियर डिजाइनिंग कोई कर ही नहीं सकता। 3D Max हो गई, यस, लेकिन उसकी वैल्यू भी थोड़ी सी कम हो गई है। रीजन क्या हो गया है कि बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हैंग बहुत करता है, नॉर्मल लोगों के लैपटॉप में चलता नहीं है। हाँ, अगर क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं रेविट जो है वो आर्किटेक्चर में भी वर्क कर लेता है, स्ट्रक्चर में भी वर्क कर लेता है, एमईपी में भी वर्क कर लेता है, तो ये तीनों डिसिप्लिन मतलब इंटेलिजेंट कर देता है मॉडल को, और वो अकेले रहता है, अकेले रहने वालों के साथ कोई आता नहीं है, इसलिए ओके सर, थैंक यू। ऐसा नहीं कि है नहीं, है कम रैबिट के कंपेयर में। ठीक है, ओके ओके जी। नयन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस नयन बोलिए। हेलो सर। यस नयन, हेलो। हाँ जी जी सर, मैंने बीटेक पास हुआ था 2021 में, इसको बाद गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा था, इसको बाद कुछ नहीं आई, या करियर गैप का कोई इफेक्ट पड़ेगा इसको? पड़ेगा तो है ये, ठीक है। हेलो, कोई चीज देखो, गैप को कैसे छिपाया जा सकता है? 15-16 टी शर्ट आज ही मिल से बनी हुई है, तो शायद इसकी वैल्यू ज्यादा पड़ सकती है। लेकिन अगर मुझे पता चले कि 2 साल हो गया इस टी शर्ट को बने, तब इसकी वैल्यू पता है कौन बढ़ा सकता है? इसकी वैल्यू अगर इसका कपड़ा बहुत अच्छा होगा तो बोलूंगा कपड़े की जो क्वालिटी है वो टक्कर कोई नहीं ले पाएगा। कुछ लोग का तो मैं बेसिकली क्या देखना चाह रहा था पता है, उनके रिज्यूमे में खोज रहा था इनको काम क्या क्या आता है, मैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं देख रहा था, मुझे चाहिए काम क्या क्या आता है। अगर तुमने काम सही से सीख लिया दोस्त और काम को लिस्ट कर दिया रिज्यूमे में, देखो कैसे होता है, नयन तुम बहुत खराब आदमी हो मुझे कैसे पता, बहुत अच्छे आदमी हो मुझे कैसे पता, तुम्हारा रिज्यूम ही तो बताएगा ना। जी जी, रिज्यूम में इतनी स्किल्सफुल वाली चीजें लिखनी है तुमको, इसको पढ़ के मुझे लगे कि हाँ यार नयन बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, तो उसके लिए हमें इतना स्किल्स ऐड करना पड़ेगा कि हाँ इफेक्टिव लगे वो चीज। अगर इफेक्टिव लग रहा है तो मुझे क्या टेंशन है डिसीजन लेने में, मैं डिसीजन ले लूंगा, आप अच्छे इंसान है। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक स्टूडेंट को गुरुकुल में बोलता हूँ रिज्यूम और पोर्टफोलियो बनवाओ। ठीक है, पोर्टफोलियो क्यों, मेरा एक एग्जांपल बहुत फेमस है, किसी भी चीज को बनाने के लिए अगर मैं आप मुझे बता रहे हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं क्यों मान लूँ आपको बात, आप तो अननोन पर्सन हो ना मेरे लिए, राइट जी। लेकिन आप किसी चीज को करके लाओ, बोलो ये मैंने किया हुआ है। नो जी, समझ गए, क्या होगा, विश्वास हो जाएगा। बहुत आसान तरीका बता दूं, कभी भी मेरे कहने पर डिसीजन लेना, क्योंकि अगर मेरे कहने पर आप लेंगे तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां फंस जाएंगे। मैं किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली होता है गाइस, वो जिस भी जाते हो तो वो क्या सोचते हैं कि उनके पास पर्टिकुलर सपोज कम्युनिटी राइट लिखी ट्रेनर है या फिर स्टेट प्रो के ट्रेनर है, ईटीएफ्स के ट्रेनर है, सीखने गए ईटीएफ्स, वो आपको पता है क्या बता देंगे कि स्ट्रक्चर होने के लिए स्टेट प्रो बहुत अच्छा है, ईटीएफ्स की वैल्यू नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि उनके पास स्टेट प्रो वाला बंदा है ना सिखाने के लिए। आप जो सीखिए बेसिकली डिसीजन खुद लेना। अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कौन से हैं आपका, M1 M2 तो बेसिकली है ही, इसके अलावा सोम है, आरसीसी है, सोम है, आरसीसी है, इनमें अगर इंटरेस्ट है, फिक्स मान लीजिए कि आपको अपना करियर, 15 तारीख की छुट्टी, 15 तारीख बोल रहा है कि इसमें स्कोप नहीं है तो गधा है, नॉलेज नहीं है ये बोलो,
अच्छे लोगों की नॉलेज की कमी है, ठीक है। और अब दूसरा सेकंड इनिंग आते हैं, सेकंड इनिंग है कि बीआईएम कब चूज करें। बीआईएम उसको चूज करना चाहिए जो पूरी सपोर्ट को ज्यादा रीच करता हो, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल को, कंस्ट्रक्शन को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, चीजों को हैंडल करना, थोड़ा क्रिएटिव होना, इस तरीके के अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप समझ गए। सर ये ओके मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर आप बताइए, मैं कैसे बता दूं, मैं तो तुम्हें अभी जानता हूं मैं। जी। और एक बात है सर, सर जैसे एमटेक स्ट्रक्चर में क्या तो इसको बाद बेनिफिट किसका का मिलेगा, भीमक्वे मिलेगा और स्ट्रक्चर में? अगर ये एमटेक स्ट्रक्चर्स में कर रहे हो तो मैक्सिमम इस बात से सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में मिलेगा, तुम स्ट्रक्चर में कर रहे हो ना। अगर तुम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में कर रहे हो तो फिर भीम को मिलेगा, तब स्ट्रक्चर में क्यों मिलेगा, जी सर। ठीक है। बट ये मत सोचना कि अगर मैंने एमटेक स्ट्रक्चर में किया था बीम में करियर नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में किया हुआ है भाई, एट द लास्ट आपने बिल्डिंग के बारे में ही पढ़ा हुआ है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है भाई, किसी का प्रश्न है फटाफट पूछ लो। और क्या बोलते हैं फैज, आपका कोई क्वेश्चन रह गया है? हेलो सर। मोहन करा गैस, मोहन बोलिए। हाँ सर, मैं अभी पीबी डिजाइनिंग में आगे करियर करने का सोच रहा हूँ, करेक्ट, उसमें करियर ग्रोथ कैसा रहेगा? बेस्ट, ठीक है। चार प्रोफाइल्स हैं जिनमें कैरियर का ग्रोथ सिविल इंजीनियरिंग में बंद नहीं होने वाला बल्कि बढ़ने वाला है, ठीक है। चार कौन कौन सी प्रोफाइल है? एक प्रोफाइल तो आपका है आरसीसी स्ट्रक्चर, बंद ही नहीं हो सकता। देख रहे हो कच्चे घर गिरा के बना रहे हैं, छोटे घर है तो बड़े बना रहे हैं, घर एक ड्रीम है ना यार लोगों का, ठीक है। लोग कोई भी थोड़ा सा अमीर बनता है आदमी क्या करता है, मोबाइल ले लिया, वो आईफोन आईफोन ले लिया। कोई और थोड़ा सा अमीर बनता है क्या बोलता है, बाइक ले लिया। कोई और थोड़ा सा अमीर बनता है तो क्या लेता है वो, ये सब क्या बोलते हैं, गले में चैन लटका लेता है, ठीक है, बेवकूफों जैसे, मुझे नहीं पसंद है बेसिकली, कोई लगा रहा है तो दिल पे पड़ लेना, ठीक है। उसके बाद मतलब शो ऑफ नहीं पसंद है, पहनो अच्छी बात है। उसके बाद कोई और अमीर बना तो क्या करेगा, वो कार और ले लेगा, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अमीर होगा वो क्या करेगा, उसका ड्रीम होता है क्या, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना, घर बनाना, ये होता है ना, ठीक है। तो आप उस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो आरसीसी स्ट्रक्चर का डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद जो होगा वो दूसरा जो ड्रीम आता है वो आता है आपका पीवी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसमें आप काम कर रहे हो, इसका भी यस डिमांड सर। बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो प्रोफाइल है जिसका कभी डिमांड कम नहीं होगा, दैट इज बिल्डिंग, बीआईएम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है, इसका डिमांड कभी कम नहीं होगा। चौथा इंडस्ट्री भी आपको बता देता हूँ, फ्यूचर के लिए तैयार रहिएगा, प्रीकास्ट इंडस्ट्री, इतना तेज बढ़ने वाला है प्रीकास्ट इंडस्ट्री। आपको पता है पीवी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है, हाँ सर। और ये 90s का है, ये मतलब अभी का नहीं है, ठीक है। पीवी कहाँ से आया पता है, यूएसए से आया हुआ है, हाँ हाँ सर। ठीक है, यूएसए से आया हुआ है। यूएसए से क्यों आया पता है, यूएसए में स्टील बहुत महंगा है, अच्छा। और जब कोई चीज बहुत महंगा होता है उसका अल्टरनेटिव निकाला जाता है ना, ठीक है। अब ये मेरा फेवरेट टॉपिक में मैं एंट्री कर जाऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा, शॉर्ट में समझ जाओ कि क्या बोलते हैं, देखो कैसे होता है, जब किसी भी चीज को ना आप डेप्थ में पढ़ोगे मोहन तो उसमें बहुत मजा हाँ आने सर, लगता है, हाँ ऊपर ऊपर से वो बात नहीं आती है। इसीलिए मैं आपको जो गुरुकुल में पढ़ा, मुझे 4 महीना चाहिए, 1-1.5 महीने में या फिर 1-2 घंटे में नहीं हो सकता वो चीज यार, ठीक है। पीवी का पूरा इतिहास है, तो वहां से पीवी आया, फिर पीवी पूरी तरीके से नहीं आया, तो मोमेंट को कैसे कैलकुलेट किया गया, फिर मोमेंट के अकॉर्डिंग कैसे स्टील को किया गया। 30% स्टील बचता है एक कन्वेंशनल वेयर हाउस में, एक पीवी वेयर हाउस में 30% का डिफरेंस रहता है। सोचो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट 7 करोड़ में हो जाए, कितना अच्छा है, ठीक है। तो वहां से उसका ही कॉन्सेप्ट आया। तो आरसीसी स्ट्रक्चर पहला, दूसरा पीवी, तीसरा बीआईएम, चौथा प्रीकास्ट, इनकी स्कोप बंद ही नहीं होंगे बल्कि और बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चलो, सर, और भी ओके क्वेश्चन है, सर। पूछो पूछो पूछो, कोई बात नहीं, पूछो, तुम पूछने के लिए आए हो ना, अपना क्वेश्चन सर, मैंने पीएपी में सिलेक्ट किया तो स्टैट प्रो पे फोकस करूँ या टेक्ला पे फोकस करूँ डिजाइन करने के लिए? डिजाइन करने के तो स्टैट प्रो टेक्ला डिजाइन नहीं करता, टेक्ला डिटेलिंग करता है, मॉडलिंग करता है ना सिर्फ। हाँ हाँ मॉडलिंग और डिटेलिंग, अब चलो टेक्ला पे भी एंट्री कर देता हूँ। टेक्ला में चार हाँ होते हैं, ठीक है, एक अच्छा काम होता सर, है टेक्ला मॉडलिंग जिसको तुम लोग जानते हो, एक होता है टेक्ला एडिटर जो एडिटिंग का काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है, और एक होता है टेक्ला डिटेलर, ठीक है, तीसरी प्रोफाइल होती है। एक और प्रोफाइल होती है टेक्ला चेकर,
जो चेक करता है कि हाँ अच्छा भाई हम सर, सही किया हाँ है कि सर, नहीं किया है, यस ऐसे सर, थोड़े कंपनी में होंगे। हाँ सर, हमारा एमडी चेकिंग करता है वो सब हाँ सब तो ड्राइंग फाइनल होने वो पे। टेकला चेकर है वो, ठीक है, एमडी वाले हाँ नहीं सर, होंगे। तो उनकी चार हाँ प्रोफाइल होती है, मॉडलिंग, एडिटिंग, डिटेलिंग्स और चेकर। हाँ एसएसबी में सर, भी अलग अलग प्रोफाइल है, तो बट ओके उसके अभी तो आपको जरूरत नहीं है, आप सीख लीजिए, जाओ पर्याप्त है। ठीक है, सर, चलो हो गया, क्लियर हो गया ना सब। देखो गाइस मैं यस चाह रहा हूँ सर, कि आप लोगों ने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है वो ना, तो आपके क्वेश्चन सोल्यूशंस निकलने चाहिए। और कभी भी इस चीज़ के हेजिटेशन में मत रहना कि यार लोग क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्यों, यही तो सोचते सोचते हम लोग यहाँ पर बूढ़े होने चले। कुछ करना है तो बेझिझक पूछेंगे, तो आप क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा, रह न जाए। अगर किसी ने पूछ लिया आपका क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक दो क्वेश्चन यहाँ ग्रुप में आए हुए हैं, मैं ध्यान से देख नहीं पाया, सॉरी। एक क्वेश्चन आया हुआ है, बढ़िया बढ़िया मोनिका, आर यू देयर मोनिका? ठीक है, और लाइव प्लस डेली रिकॉर्डिंग होगा? यस यस, लाइव प्लस की रिकॉर्डिंग डेली मिल जाती है सुबह। एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर मुझे भी बीम में करना है, प्लानिंग नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो मैंने ऑटो कैड से स्टार्ट किया हुआ है, ऑटो कैड फिर उसके बाद आगे के स्टेप्स, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिसका बेस मजबूत है, जिसका फुटिंग मजबूत है। देखो मैं जब किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं उसके ओरिजिन में जाने का प्रयास करता हूँ, क्यों, बेस, ठीक है। जब मैं पीवी सिखाता हूँ तो मैं स्टील स्टार्ट करता हूँ कि स्टील आया कब, ठीक है। आपको पता है जो हम लोग स्टील जो यूज करते हैं, आप जो सरिया यूज करते हो बेसिकली, अगर बताऊँ तो ये सरिया पहले सरिया थोड़ी था, पहले तो ये आयरन था ना। ये आयरन से कैसे कन्वर्ट हो गया है, Fe415 बोल रहे हो, Fe500 बोल रहे हो, इसके हिस्ट्री में जाओ। और इसके हिस्ट्री से और बैकग्राउंड में जाओगे तो आपका चांदी आया था, चांदी से किस तरीके से स्टील आया, फिर स्टील से किस तरीके से आप इस तरीके से आप अलग अलग ग्रेड, ये कार्बन परसेंटेज का गेम रहता है, कहाँ कितना कार्बन परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उससे कितना ग्रेड। उसमें भी क्या बोलते हैं, Fe415 है तो 415 के अंदर अभी SD आ गया है, सुपर डक्टाइल, D आ गया, डक्टाइल, ठीक है। तो ये ग्रेड्स आपको समझने पड़ते हैं, तो मतलब डेप्थ में जाओगे तो मजा आएगा आपको और बहुत इंटरेस्ट लगेगा वो। चलो क्लास ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटा रहेगा जी, ठीक है। और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ऑयल इंडस्ट्री में स्ट्रक्चर इंजीनियर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, बट वो मेरे से मत सीखो क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने एक एक प्रोजेक्ट किया हुआ है दिल्ली में, वो भी इंटरव्यू देने गया था, वहाँ करने को मिला था मुझे, ठीक है, साउथ दिल्ली में। तो मैं ऑयल इंडस्ट्री के लिए सही टीचर नहीं हूँ, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि सर फीस कब से स्टार्ट होगी क्लास? भाई क्या बोलते हैं, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी कब से है, 5th ऑफ मार्च से है, इवनिंग में 7 to 8:30। और फी ज़्यादा नहीं है आपका, 4 मंथ का 20,000 फी है, जिससे आप बाकी अपने टीम को लोग कॉल करेंगे, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट बता देंगे आपको, जैसे कन्वीनियंट रहेगा आप कर लीजिएगा। बट आइए वही जिसको डेप्थ में सीखना है, ठीक है। और ऊपर ऊपर से सीखने मुझे मज़ा भी नहीं आता और मैं चाहता भी नहीं कि ऊपर वाले आए, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आता, रिजल्ट खराब हो जाता है, रिजल्ट मुझे अच्छा करना है, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन है भाई, किसी क्वेश्चन रहा तो नहीं गया, पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग इसको विराम देते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर्स में क्या क्या सीखेंगे। बाकी आपको और डिटेल्स के लिए सिलेबस वगैरह आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और कॉल जाएगा तो आप और डिटेल में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आप सबने वक्त दिया इसके लिए और हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा, आपका 1 घंटा मैंने खराब नहीं किया होगा, इस उम्मीद के साथ स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलो जी, सी यू इन द क्लास, अगर आप लोग आ रहे हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर तो मिलेंगे कल परसों में।